Mekin. फिर उसको तुरंत ठंडे पानी में चूना के साथ उसको धोया जाएगा। तब भीग गया, सूखेगा उसके बाद फिर पैकेट में डालेंगे। साफ साफ पानी से धोएंगे। हाँ, ये ऐसे धुआं निकल रहा है ना। देखो अभी निकलेगा। ये सलसुरे के फेड़ होता है। इसको अब चूना वाले पानी में इसको ठंडा करेंगे। पहले गर्म किया, अब ठंडा करेंगे। पहले सादा पानी से धो रहे हैं, फिर इसको चूना वाले पानी से धोएंगे। एक मिनट। देखो इसको पकड़ो ना। देखो देखो चूना वाले पानी में दिया, फिर सादा पानी, फिर सादा पानी। अब इसको तुरंत फिर सूखने के लिए देना पड़ेगा धूप में। ज़्यादा समय तो गीला नहीं रख सकते। कितना दिन सुखाते हैं? एक दिन में सूख जाए। देखो अब उसको लेके जा रहे हैं वहाँ पे सुखाने के लिए। यानी इसको पानी से एसिड का पूरा गंदगी निकल जाए। एक मशीन पे 9 आदमी चाहिए, 3 मशीनें 27 आदमी से काम करता है। एक मशीन पे 9 आदमी। अब इसको पूरा सूखने के लिए दे दिया एसिड। देखो ये सब ड्राइंग यूनिट है, सन ड्राई होता है इसमें। और ये सूखने के बाद फिर इसका सैंपल होगा, फिर इसकी टेस्टिंग होगी लेबोरेटरी की। अच्छा, सभी इसमें एलिजा टेस्ट होगा, डीएनए होगा, जीओटी होगा, उसके बाद बीज तैयार होगा। हाँ, उसमें पास हो जाएगा तब किसानों के हाथ में जाएगी। उसके बाद हर लॉट का सैंपल अलग अलग, हर किसान का सैंपल अलग अलग। फिर आप लोग तब यहाँ से खरीदते हैं। तो ये देख सकते हैं सुकून कंपनी का प्रोसेसिंग प्लांट। किसान लोग अपना माल लेकर के यहाँ पर, सब किसान लोग हैं, सबका अपना अपना फसल लेकर के आया है। और इसको जो है ऐसे इसको पूरा फैलाना पड़ता है। उसके बाद इन सब बीज का अलग अलग वहाँ पे सैंपल लगेगा जब खेत में। अच्छा। दर्ज आम जो आम कहीं कहू चे ना। बोलो सुकून जिंदाबाद।